फिर से एक नई वैकेंसी की अपडेट लेके आए हैं जो निकली है झारखंड में। तो दोस्तों बहुत अच्छी पोस्ट हैं, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है और CHO की पोस्ट रहने वाली है। दोस्तों इस साल की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, टोटल पोस्टें हैं वो 1400 पोस्टें रहने वाली है। तो सारी डिटेल हम देंगे इसमें, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों फॉर्म कैसे अप्लाई करना है पहले उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, उसके बाद जो नोटिफिकेशन होएगा वो हम बताएंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नर्सिंग से जुड़ी हर अपडेट हम समय समय पर लाते रहते हैं। तो चलते हैं बिना समय गमाए अपनी इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को जैसे आप गूगल पे ओपन करोगे तो उसमें आपको सर्च करना है झारखंड डॉट गवर्नमेंट डॉट इन रिक्वायरमेंट 2023। तो जैसे ही आप इसमें सर्च करोगे तो दोस्तों आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसका लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों झारखंड रिक्वायरमेंट, झारखंड गवर्नमेंट ये वेबसाइट आ गई। अब दोस्तों इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ओपन करोगे दोस्तों तो हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट झारखंड रिक्वायरमेंट। ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड की। तो इसमें से आपको नीचे की ओर आना है। ये दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू यूजर, अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें। फॉर न्यू यूजर क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन, फॉर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ कैंडिडेट गेट योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अगर आपने पहले से लॉग इन कर रखा है तो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालने हैं, देन उसके बाद लॉग इन कर देना है। तो ये दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन थे। उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है। तो जैसे ही दोस्तों आप नीचे की ओर आओगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होएगा, नोटिस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, लास्ट डेट दोस्तों 8/7/2023 रहेगी, लास्ट डेट है वो 2023 रहेगी। तो दोस्तों अब आपको ये न्यू यूजर लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज है वो ओपन हो जाएगा। फिर आपको नीचे की ओर आना है और दोस्तों ये और नोटिस पढ़ लेना, बिलो दी डिटेल्स करेक्टली फॉर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, काइंडली चेक स्पैम ईमेल नॉट डिलीवर्ड इन इनबॉक्स। तो दोस्तों मेल जो आएगा आपके स्पैम में आएगा, इनबॉक्स में नहीं आएगा। तो आप दोनों ही चेक कर लें, अपने ईमेल इनबॉक्स भी चेक कर लें और स्पैम में चेक कर लें। तो दोस्तों इसमें आपको अपना नाम डालना है, जो 10th मार्कशीट के अंदर नाम है वो आपको इसमें नाम डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों मोबाइल नंबर अच्छे से डालना, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पे आएगी। इसमें आपको ईमेल डालना है जो आपका परमानेंट ईमेल है, और परमानेंट कॉन्टैक्ट नंबर है वो इसमें डालने हैं। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ दे रखी है 10th की मार्कशीट में वो डालनी है, और आपका परमानेंट एड्रेस क्या है घर का वो डालना है। उसके बाद कैप्शन डाल के इसमें कैप्शन नंबर डालने हैं, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो ये दोस्तों हो गया फॉर्म भरने का प्रोसेस। अब हम आपको ले चलते हैं नोटिफिकेशन। तो क्या रहेगा नोटिफिकेशन, तो दोस्तों जैसे हम आते हैं तो आपको इस पे क्लिक करना है, तो आपका वो नोटिफिकेशन है वो ये ओपन हो गया दोस्तों।
ये आ गए हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी, जो झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी है उसके अंतर्गत ये भर्ती होने वाली है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर नामकुम ब्रांची के भर्ती होने वाली है। नोटिस फॉर प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट पे ये भर्ती होने वाली है। CHO की भर्ती होने वाली है, 1400 पोस्ट रहेगी। ये एडवर्टाइज नंबर है दोस्तों, CHO इंक्लूडेड झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी, जो इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, 1 ईयर अंडर नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड। तो NHM के अंतर्गत ये भर्ती होने वाली है। और जो झारखंड रूरल हेल्थ मिशन है उसके अंतर्गत ये भर्ती होने वाली है दोस्तों। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी सर्कुलेशन की, तो दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट टोटल पोस्ट हैं वो 1400 रहने वाली है। और जनरल की बात करें, UR कैटेगरी दोस्तों बहुत 560 पोस्ट रहने वाली है। EWS की बात करें तो 140 पोस्ट रहने वाली है। ST की बात करें तो 364 पोस्ट रहने वाली है। SC की बात करें तो 140 पोस्ट रहने वाली है। BC की बात करें फर्स्ट की, तो 112 पोस्ट रहने वाली है। BC सेकंड की बात करें तो पोस्ट रहने वाली है 84 पोस्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो दोस्तों इसमें BSc नर्सिंग वाले, पोस्ट BSc नर्सिंग वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक अच्छी बात दे रखी है कि इसमें झारखंड का रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा है, तो इसमें झारखंड का रजिस्ट्रेशन किसी जगह जिक्र नहीं किया गया है। इसमें केवल पोस्ट BSc BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ CPCH फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो दोस्तों एकेडमिक 2024, तो ये है दोस्तों। और सैलरी आपकी क्या रहेगी, सैलरी दोस्तों 25,000 रहेगी पर मंथ, सैलरी ये रहने वाली है दोस्तों। और 15,000 आपको जो इनिशियल है जो वो मिलेंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, पढ़ लेना। और इसका PDF है, हमारा टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगा। तो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फॉर सर्टिफिकेट परफॉर्म, तो दोस्तों अप्लाई है वो ऑनलाइन करना है आपको। सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी अवार्ड CHO विल बी इंटेड, तो दोस्तों 25,000 सैलरी मिलेगी और 15,000 आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंटेंसिव जो अकोमोडेशन है विद उसकी आपको 15,000 अलग मिलेगा। इंटेंसिव की आपकी 15,000 हैं और सैलरी आपकी 25,000 रहेगी, तो कुल मिला के 40,000 आपकी सैलरी रहने वाली है दोस्तों पर मंथ। और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इश्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी एप्लीकेबल परफॉर्म एंड बा एज क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों, एज क्राइटेरिया वो 21 साल एज लिमिट है, वो 1 अप्रैल 2023 से काउंट की जाएगी। जो जनरल कैटेगरी और UWS है उनके लिए 35 रहेगी। जो BC फर्स्ट BC सेकंड है उनके लिए 37 साल रहेगी। फीमेल अनरिजर्व BC एंड BC की बात करें तो 38 रहेगी। ST मेल फीमेल की बात करें तो 40 साल रहेगी। तो दोस्तों ये क्राइटेरिया है एज का। और एज रिलैक्सेशन है वो दिव्यांग है जो
डिसेबिलिटी पर्सन हैं, फिजिकली हैंडीकेप पर्सन हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और कैंडिडेट ऑफ झारखंड स्टेट, जो झारखंड के कैंडिडेट हैं, उनको एज में छूट मिलेगी। अब बात करते हैं जो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें बीएससी एंड पोस्ट बीएससी, बेसिक बीएससी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होएगा। मिनिमम आपको दोस्तों जो एंड यूजर कैंडिडेट हैं उनको 40 मार्क लाने हैं, एंड यूजर को जो ईडब्ल्यूएस हैं उनको 40 मार्क लाने हैं। पास मार्किंग ये रहेगी, जो बीसी हैं फर्स्ट ने सेकंड उनको 36.5%, फॉर बीसी सेकंड के लिए 34%, फॉर बीसी फर्स्ट के लिए। जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, वुमेन महिला, उनको 32% लाने हैं, एससी एसटी की महिला को 32%। जो पीजीटी है उनको 30% लेके आने हैं। और दोस्तों डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन मेट्रिकुलर, तो 10वीं की मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग आपकी एज है वो काउंट की जाएगी। एलिजिबल कैंडिडेट मैप थ्रू ऑनलाइन बिफोर, दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। 8 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट यू सबमिटेड इंक्लूडिंग आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड सर्कुलर कम्युनिटी हेल्थ, सेल्फ अटेस्टेड की होनी चाहिए। और दोस्तों जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो तो सारे डॉक्यूमेंट है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सबमिट करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड वैलिड एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर सोर्स नॉट। तो दोस्तों इसमें केवल ऑनलाइन ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ऑफलाइन फॉर्म है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और ये दोस्तों वेबसाइट है www.jrhsms.jharkhand.government। तो ये दोस्तों वेबसाइट है और 13/6/2023 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एनएचएम झारखंड रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी नर्सिंग से जुड़ी हर अपडेट हम समय पर लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिल सके और आप अपने सपनों की उड़ान भर सके। ऐसी नर्सिंग से जुड़ी, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर भर्ती हम लाते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।